हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेलकॉम गुरुजी चैनल पर। मेरा नाम है जगजीत, आप सबका दोस्तों इस चैनल का होस्ट। दोस्तों आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप अपनी MI TV स्टिक के क्रोमकास्ट फीचर को कैसे यूज़ कर सकते हैं, या फिर ये कहूँ कि आप अपने मोबाइल की स्क्रीन को अपने MI TV स्टिक के साथ कैसे कास्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो सके। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूं। तो दोस्तों जल्दी से शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों क्रोमकास्ट फीचर को यूज़ करने से पहले आपने अपने MI TV स्टिक को वाईफाई के साथ कनेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर अपनी टीवी स्टिक को वाईफाई के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरी टीवी स्टिक ऑलरेडी वाईफाई के साथ कनेक्टेड है। और उसके बाद अपने अपने मोबाइल फ़ोन को भी सेम वाईफाई के साथ कनेक्ट करना है, जिस वाईफाई के साथ आपकी टीवी स्टिक कनेक्टेड है। उसके बाद दोस्तों आपने गूगल प्ले स्टोर पर जाना है और वहाँ पर टाइप करना है गूगल होम, और यहाँ से आपने गूगल होम ऐप को ओपन करना है और इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो अभी यहाँ पर हमारी गूगल होम ऐप इंस्टॉल हो चुके, उसके बाद आपने इसको ओपन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने अपनी ईमेल आईडी को सिलेक्ट करना है, जिस ईमेल आईडी को आप इस गूगल होम ऐप के अंदर यूज़ करने वाले हो। मैं यहाँ से अपनी ईमेल आईडी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपने ओके पर क्लिक करना है। उसके बाद आपसे लोकेशन की एक्सेस मांगी जाएगी, आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है और यहाँ से आपने अलाउ कर देना है। उसके बाद आपसे ब्लूटूथ को टर्न ऑन करने की परमिशन मांगी जाएगी, आपने यहां से इसको टर्न ऑन करके अलाउ पे क्लिक कर देना है। तो यहां पर अब गूगल होम ऐप आपकी MI TV स्टिक को फाइंड करेगी, तो इसमें आपको एक या दो मिनट का समय लग सकता है। उसके बाद गूगल होम ऐप के द्वारा आपसे पूछा जाएगा कि आप इस ऐप को किस पर्पज़ के लिए सेटअप करना चाहते हैं। आपने यहाँ से क्रोमकास्ट फीचर को सिलेक्ट करना है। फिर आपसे बोला जाएगा कि प्लग इन योर डिवाइस, लेकिन आपकी डिवाइस तो ऑलरेडी प्लग इन है, तो आपने नीचे से नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर अब आपकी डिवाइस की फाइंडिंग शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर MI TV स्टिक हमें नज़र आ रही है अदर कास्ट डिवाइसेस के अंदर। आपने इसको यहाँ से क्लिक कर देना है और उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप अपनी कास्टिंग की जो वॉल्यूम है वो कितनी रखना चाहते हैं। आपने इसको 100% पे कर देना है और यहाँ से आपने कास्ट माई स्क्रीन पर क्लिक करना है। उसके बाद एक बार फिर से आपने कास्ट स्क्रीन पर क्लिक करना है। तो इस तरह करके आपके मोबाइल की जो स्क्रीन है वो आपके टीवी के साथ कास्ट हो जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे मोबाइल की स्क्रीन MI TV स्टिक के साथ कनेक्टेड हो चुकी है। अब आप अपने मोबाइल के ऊपर जो भी करेंगे वो आपके टीवी के ऊपर भी दिखाई देगा। तो अभी आप देख सकते हैं दोस्तों मेरे जो मोबाइल की स्क्रीन है वही सेम स्क्रीन आपको टीवी के ऊपर भी नज़र आ रही होगी। अब जो भी मैं अपने मोबाइल के ऊपर करूँगा वो सेम आपको मेरे टीवी के ऊपर भी दिखाई देगा। तो आप फाइल एक्सप्लोरर में जाके कोई भी अपनी फ़ोटो चला सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर अपनी वीडियो चला कर देखना चाहता हूँ, तो आप देख सकते हैं सेम वीडियो मेरा जो मोबाइल के अंदर प्ले हो रहा है वही सेम वीडियो टीवी की स्क्रीन के अंदर प्ले हो रहा है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं अपनी फोटोग्राफ्स देखना तो फोटोग्राफ्स भी आप देख सकते हैं। आप जैसे भी अपने मोबाइल को टर्न करेंगे वैसे ही आपके टीवी स्क्रीन के ऊपर भी फ़ोटो घूम जाएगी। आप देख सकते हैं मैंने इसको ऐसे किया हुआ है और ये अब ऐसे मुझे टीवी के ऊपर नज़र आ रही है। जो भी आप अपने मोबाइल के ऊपर फ़ोटो चलाएंगे या वीडियो चलाएंगे वो आपको सामने अपने टीवी के ऊपर नज़र आ जाएगी। आप चाहें तो दोस्तों डायरेक्ट म्यूज़िक भी चला सकते हैं, यूट्यूब वीडियो चला सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ से आपको NCM से कुछ म्यूज़िक सुना देता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पर ये वीडियो प्ले करता हूँ, तो अभी तो फ़िलहाल एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, मैं इसको स्किप कर देता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं दोस्तों जो म्यूज़िक है वो हमारा टीवी के अंदर से प्ले हो रहा है और मैं आपको आवाज़ भी सुना देता हूँ। तो देख सकते हैं इस तरह आप अपने YouTube वीडियोस फुल स्क्रीन के अंदर अपने टीवी के अंदर भी देख सकते हैं अपने मोबाइल के थ्रू। या फिर अगर आपका कोई भी डाटा अपने मोबाइल के अंदर पड़ा है, वो चाहे वीडियो फाइल है या फिर कोई इमेज है, कुछ भी है, आप उसको अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। तो दोस्तों होपफुली अब आपको समझ आ गया होगा कि हम कैसे अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन को अपनी MI TV स्टिक के साथ कास्ट कर सकते हैं, या फिर दूसरी ऐप्स जैसे कि यूट्यूब या फिर Z5 या फिर हॉटस्टार को भी आप डायरेक्टली अपने टीवी स्टिक के साथ कास्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको फिर भी कोई डाउट या फिर सवाल है तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।